हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना सुबह का टाइम है और मैं खाना बनाने की तैयारी भी कर रही हूँ। और आज बहुत दिनों बाद मैं वीडियो मतलब आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो इस वजह से मैं कोई भी वीडियो नहीं बना पा रही थी और आप लोग के साथ शेयर भी नहीं कर पा रही थी। तो कुछ मेरी फ्रेंड हैं जो ना मुझे मतलब 3 से 4 बार मैसेज किया था उन्होंने कि मतलब मेरी वीडियो क्यों नहीं आ रही थी। तो मैं रिप्लाई भी की थी लेकिन फिर ना वही तबीयत मतलब बिल्कुल मुझे ठीक ही नहीं लग रहा था, बिल्कुल सही नहीं लग रहा था। तो इस वजह से मैं मतलब कोई काम भी नहीं कर रही थी या कुछ भी, तो मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। और अभी भी मतलब पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ लेकिन बहुत दिन हो गया है और वीडियो की इम्प्रेशन भी ठीक नहीं जा रही है। और कुछ लोग तो शायद लग रहा है उन लोगों को कि मतलब मैं अब वीडियो नहीं बनाऊँगी तो वो लोग अन भी कर दे रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और वैसे मैं मतलब कम्युनिटी पे नहीं बता पाई थी लेकिन इसके पहले मैं वीडियो शेयर की थी तो आप लोग के साथ मैंने बताया था कि तबीयत नहीं ठीक है, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। तो पहले की जो वीडियो पड़ी थी वो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था और ये आज की वीडियो है। तो आज है फ्राइडे और आज 8 तारीख है, तो ये वीडियो कल जाएगी 9 तारीख को। तो यहाँ पे उसके बाद से प्याज वाज काटने के बाद ये मसाले मेरे गरम मसाले ना ख़त्म हो गए हैं, तो इसको थोड़ी सी धूप दिखा के और फिर इसको मैं पीस लूँगी, जिससे रखे रखे ना सील जाते हैं, तो थोड़ी सी धूप दिखा दूँगी तो फिर सही हो जाएंगे। तो फिर इसको पीस लूँगी और ये मतलब जो भी सारी चीज़ें हैं, तो कोई कोई चीज़ें ज़्यादा है जैसे इलायची भी मतलब जितना होना चाहिए पूरे मसाले में उससे ज़्यादा है, तो अभी मैं थोड़े थोड़े सब में से निकाल दूँगी। तो यहाँ पे ना इस डब्बे को भी मैं साफ़ कर लेती हूँ और इसमें थोड़े अभी खड़े मसाले मैं इसमें रखूँगी क्योंकि इसे इलायची भी ज़्यादा है और काली मिर्च भी ज़्यादा है ऐसे जो भी है, तो ये सब थोड़े थोड़े निकालूँगी। तो बाद में ना कोई भी सब्ज़ी बनाइए चाहे कुछ भी तो तड़का के लिए भी हो जाएगा और ये मसाला जो मैं पीस के रखूँगी तो वो तो हो जाएगा गर्म मसाला डालने के लिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये काली मिर्च मैं निकाल रही हूँ क्योंकि काली मिर्च ज़्यादा है और थोड़ी सी बाद में भी निकाली थी क्योंकि बहुत ज़्यादा लग रहा था जब मैं मसाला भीजने गई। और वो काली मिर्च के बगल में ना जो कबाब चीनी होती है काली मिर्च की जैसे, तो वो है उससे तड़का लगाया जाता है। और ये रहा मतलब ये लौंग था तो इसको भी मैंने थोड़ी निकाल दी है और यहाँ पर दालचीनी इसको भी मैं थोड़ा सा मतलब इसमें से निकाल देती हूँ जो मसाला पीसना है मुझे, तो साबुत दालचीनी क्योंकि इन सब का ना तड़का लगाने के लिए काम आता है किसी भी चीज़ में। और ये मतलब ज़्यादा भी हो जाती क्योंकि दालचीनी भी ज़्यादा हो जाए तो मसाले का स्वाद अलग ही आता है। और ये मेरी बहन थी जो अभी मसाला मतलब देख रही थी तो वो थी। और यहाँ देखिए डब्बे में मैंने मसाला अलग कर दिया है और उसके बाद से अब इसको मैं धूप दिखा देती हूँ। तो धूप तो इतनी तेज़ हो रही है, बहुत तेज़ धूप हो रही है, अभी मैं दिखाती हूँ बहुत तेज़ हो रही है। जैसे लग रहा है ना कि अगर बाहर आप 5 से 10 मिनट खड़े जाइए तो एकदम से मतलब शरीर जल जाएगा, इस टाइप का धूप हो रहा है। और ये देखिए मिर्चा मेरा बहुत बड़ा हो गया और अब इसमें से फूल भी आ रहे हैं, पेड़ इसका बहुत लंबा हो गया था। और ये रहे मेरे फूल, तो फूल भी मेरे बहुत अच्छे हो गए हैं। गांव से हम लोग आए थे तो ठीक था, ज़्यादा दिन तो गैप नहीं हुआ था लेकिन धूप इतनी तेज़ हो रही है ना। और ये जो कड़ी पत्ता मैंने काट दिया था पेड़ को क्योंकि बहुत लंबाई से भागता जा रहा था सीधा ही, तो हम लोगों ने सोचा ना थोड़ा इसको काट देंगे तो नीचे से ना ज़्यादा फैल के रहेगा तो अच्छा भी लगेगा। और हवा तो बहुत अच्छी चल रही है, हवा ना बहुत तेज़ चल रही थी लेकिन धूप भी बहुत तेज़ है और आप लोग देख सकते हैं मतलब अजीब सी धूप है, मतलब देख के ही धूप इतना डर लग रहा, बहुत तेज़ धूप थी। और सुबह के अभी यहाँ पे ना 10:30 शायद हो रहे हैं और कपड़ा वपड़ा भी धुल गया है, मैं अभी नहाई नहीं हूँ क्योंकि नहाने के बाद ना फिर किचन में जाने का मन नहीं होता है बिल्कुल भी। तो अभी मैं चलूँगी किचन में, पहले मैं बनाऊँगी खाना और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी। और खाने में मैं बना रही हूँ आज छोले और भटूरे, तो अभी छोले मैं बना ले रही हूँ, उसके बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी और उसके बाद जब बच्चे आएँगे तो फिर मैं भटूरे बनाती हूँ। 12:30 बच्चे आते हैं तो उस टाइम बनाती हूँ क्योंकि सुबह का नाश्ता हम लोग का भी हो गया है तो कोई खाना नहीं खाने वाला है। और इस वजह से तो हस्बैंड की मतलब रात की ड्यूटी है तो वो घर पे ही है दिन में। और यहाँ पे देखिए तेल गरम हो गया था तो उसमें मैंने तेज़पत्ता, थोड़ी सी हींग और ये लहसुन अदरक का मतलब कूट के मैंने रखा था तो उसको मैंने डाल दिया है। और यहाँ पे लाल मिर्च डाल दी है मैंने और उसके बाद से इसमें प्याज डाल दे रही हूँ। तो प्याज डालने के बाद ना मैं इसमें नमक डाल दूँगी जितना भी मुझे छोले के लिए, मैं कई बार आप लोग के साथ मतलब ये चीज़ मैंने बताया हुआ है तो इसी में मैं मतलब जितना भी मुझे छोला बनाना है उस हिसाब से नमक डाल देती हूँ प्याज में ही, तो नहीं तो फिर ना मुझे बाद में भूल जाता है और इसी में डाल दूँगी तो प्याज भी गल जाता है नमक डालिए तो।
और उसके बाद से ना इसका ढक्कन लगा दूंगी, तो धीमी आंच पे करके, बिल्कुल ही धीमी आंच पे 2-3 सीटी तक आने तक इसको छोड़ दूंगी। तो प्याज अच्छे से गल जाता है, तो टाइम भी नहीं लगता है ऐसे बनाने में, और झटपट मतलब बन भी जाता है। और यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ढक्कन मैंने हटाया तो प्याज कितना अच्छा से गल गया था। तो इसको कुछ देर तक मैं भूनूंगी, और थोड़ी सी मैं इसमें डाल देती हूँ हल्दी। तो अभी इसमें हल्दी ही सिर्फ डालूंगी और कुछ देर तक इसको भून लूंगी प्याज को, क्योंकि मैंने कच्चे मतलब प्याज में ही नमक डाल के इसको मतलब ढक्कन लगा दिया था। तो थोड़ी देर इसका कच्चापन जाने के लिए मैं यहाँ पे इसको भून लूंगी, और ये ना बॉयल प्याज के जैसे ही हो जाता है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, बॉयल का झंझट नहीं लगाती हूँ, तो ऐसे ही मैं मेरा मतलब बहुत जल्दी बन जाता है कुछ कोई भी चीज़ मतलब मैं बनाती हूँ, तो ऐसे ही करती हूँ मैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, प्याज अच्छे से मतलब भून गया है। तो और इसमें ना अब मैं डालूंगी जो भी मतलब मसाले हैं, तो ये रहा जीरा पाउडर, और उसके बाद से थोड़ी सी धनिया पाउडर भी यहाँ पर डाल दे रही हूँ, और जो पैकेट का मसाला मैं रखती हूँ एवरेस्ट का, वो मैं डाल दे रही हूँ यहाँ पे थोड़ी सी। और गरम मसाला अभी मैं उधर पीस रही हूँ, तो गरम मसाला मैं लास्ट में डालूंगी, नहीं तो मसाले में भी कभी कभी डाल देती हूँ। तो अभी पीसा मतलब पीसी नहीं हूँ, उधर मैंने मतलब मिक्सर लगाया हुआ है तो पीस नहीं हूँ अभी। और ये धीरे धीरे तब तक भुनेगा मसाला। तो यहाँ पे देखिए मसाला भुन गया धीरे धीरे, और यहाँ पे अब चना इसमें डाल देंगे। तो चना डाल के और कुछ देर तक इसको ऐसे ही चला लेंगे, उसके बाद फिर मैं इस पर पानी डालूँगी, क्योंकि मसाला भी अच्छे से भुन गया था। और मैं ना चने को बॉयल करके नहीं बनाती हूँ, मैंने आप लोग के साथ बताया भी है कई बार, तो मैं डायरेक्ट ऐसे कुकर में ही बनाती हूँ। इसका स्वाद मुझे अच्छा लगता है, और बॉयल करके बनाती हूँ ना तो मुझे लगता है कि मतलब मसाले अलग हो जाते हैं और चने मतलब स्वाद नहीं आता है, और ऐसे रहता तो एक ही में मिल जाता है तो स्वाद भी अच्छा आता है। और यहाँ देख सकते हैं आप लोग, मतलब अच्छे से थोड़ी देर के लिए मैंने भून लिया था ऐसे चना, और उसके बाद से मैं इसमें पानी डालूंगी। तो पानी थोड़ा ज़्यादा ही डालती हूँ, क्योंकि थोड़ा मतलब होने में टाइम भी लगता है और ग्रेवी भी चाहिए होती है, तो इस वजह से अभी कम हो जाएगी। और यहाँ पे देख सकते हैं, और अब इसमें मैं थोड़ा सा मसाला मेरा ना एक बार के लिए पीस गया था, तो थोड़ी सी यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग ऊपर से गरम मसाला मैंने डाल दिया है, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा ही। और अब ढक्कन लगा दूंगी, तो इधर अपना मतलब मेरा छोला होता रहेगा और उधर मसाले बाकी हैं मेरे, तो और भी मसाले मतलब मैं पीस लूँगी। बड़े वाले जार में उसमें पीस रही थी तो उसमें बारीक नहीं हो रहा था, पुराना जार है तो नहीं हो पाता अब सही से, तो इस वाले में मैंने फिर पीसा है, तो दो बार में करके, क्योंकि उसमें भर गया था और ये छोटा जार है तो इसमें पूरा नहीं हो पाएगा। और यहाँ देख सकते हैं मसाला पीस गया है, तो इसी डब्बे में अब मैं रख दूँगी। और मुझे ना अभी ये कई महीनों के लिए मतलब छुट्टी हो गई है गर्म मसाले से, और अभी चलेगा। और मैं एक ही बार नहीं पीसती हूँ, थोड़े थोड़े करके मतलब पीसती हूँ। ये जो गर्म मसाला अभी मैंने दिखाया था तो ये बहुत दिन पहले का आया हुआ था, तो इसमें से 2-3 बार मैं पीस के मतलब रख चुकी थी, और ये अब लास्ट बचा था तो मैंने सोचा चलो ख़त्म भी हो गया है और इसको भी अब पीस के रख लेती हूँ। बहुत दिन से सोचते सोचते नहीं हो पा रहा था, जो सोच रही थी तो फिर मौसम ही मतलब बारिश तो नहीं हो रहा था लेकिन बदली हो जा रहा था, तो धूप नहीं हो रही थी तो सूख भी नहीं पा रहा था। मैंने सोचा चलो आज इसको मतलब इसका ख़त्म कर देती हूँ इसका भी काम, नहीं तो और वो आजकल हो नहीं पाता है। और यहाँ पे अभी ना जो भी मतलब गिरे पड़े हैं तो उसको साफ़ सफाई कर लेती हूँ, और उसके बाद से फिर मैं नहाने चली जाऊंगी, क्योंकि छोले मैंने रख दिए हैं। तो अभी 2-3 सीटी आने तक मैं इसको मतलब पकाऊंगी, तो हो जाता है अच्छे से 3 सीटी तक आने तक, और उसके बाद से फिर मैं नहाने चली जाती हूँ, और जब बच्चे आएंगे उसके बाद मैं बनाती हूँ भटूरे। और यहाँ पे देखिए ये मतलब दोपहर का है, तो यहाँ पे 1 बज रहे होंगे और बच्चे आ गए हैं और दूध भी आया था, तो उधर मैंने इंडक्शन पे दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। और अब मैं यहाँ पे जा रही हूँ बनाने भटूरा, तो उसके लिए ना मैंने इसमें रिफाइन ऑयल से ही बनाती हूँ मैं, तो डाल दी हूँ और थोड़ा कम पड़ गया था, तो फिर मैंने पैकेट का ही लाती हूँ, तेल हो या रिफाइन हो जो भी हो, तो पैकेट का ही मैं लाती हूँ, तो मुझे मतलब मुझे यही सही लगता है इसलिए मैं यही लाती हूँ। और यहाँ पे देखिए अब जो भी है तो ऐसे करके रख दूँगी, तो थोड़ा बहुत तेल रहता है ना तो निकल जाता है अच्छे से। और उसके बाद से फिर मैं यहाँ बनाऊँगी, यहाँ पे भटूरे बना लेती हूँ, तो तेल तब तक गर्म होगा। और मैं ना आटा मतलब लगाया हुआ नहीं आप लोग के साथ शेयर किया है, क्योंकि भूल भी गई थी, और चलिए फिर कभी मैं अगर बनाऊंगी तो शेयर करूंगी। और एक बार मैंने आप लोग के साथ शेयर भी किया हुआ है तो सुबह मैं मतलब रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, दिमाग से मेरे उतर गया था तो फिर नहीं हो पाया। और यहाँ पे ना मतलब सुबह ही मैं आटा लगाई हूँ, गर्मी बहुत है तो मतलब भटूरे के आटे के लिए ना 3 घंटा 2.5 घंटा बहुत है, 4 घंटा तो इतना हो गया था मेरा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं हाथ से ही फैलाती हूँ, और बहुत ही मतलब मुलायम आटा मैं लगाती हूँ, टाइट आटा नहीं लगाती हूँ। मतलब इसका ना भटूरे का आटा जितना ही गीला होता है उतना ही सॉफ्ट मतलब भटूरे बनते हैं,
और बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग कैसे मैं हाथ से मतलब फैला रही हूँ तेल लगा लगा। और इसमें ना आटे में, चलिए बता देती हूँ मैंने क्या डाला था इसमें। तो थोड़ी सी ना 1 चम्मच चीनी, जो मतलब चीनी डब्बा में रखती हूँ जो चम्मच होता है, और थोड़ी सी नमक और थोड़ी सी रिफाइंड ऑयल, थोड़ी सी बहुत नमक, तो उसके बाद सबको, और थोड़ी सी दही। तो यही सब चीज़ें मैंने डाल के और आटा लगा लिया था। और यहाँ पे देख सकते हैं कितना गीला आटा है, तो मैं इतना गीला ही रखती हूँ क्योंकि भटूरा है तो इसका टाइट आटा नहीं रखती हूँ। ये तो ना उतना मतलब जितना सॉफ्ट भटूरे होना चाहिए वैसे नहीं बन पाता है टाइट आटा जब रहेगा तो, और जितना ही गीला आटा रहेगा ना तो एकदम से भटूरे, अब इतना बड़ा भटूरा है आप मुट्ठी में चाहे तो ऐसे बंद कर सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट बनता है। तो ऐसे ही हाथ से ही मैं एक एक करके यहाँ पे बना लेती हूँ, और कभी भी मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो ठंडी जब रहती है तो मैं शाम को ही आटा लगा के रख देती हूँ अगर सुबह बनाना होता है, लेकिन गर्मी इतनी है आप लोग को तो पता ही है, गर्मी तो सबके यहाँ है, बहुत गर्मी है। तो इस वजह से ना मतलब 2-3 घंटा पहले ही मैं सुबह में आटा लगाई थी, याद नहीं है मुझे टाइम, लेकिन 9 बजे 9 साढ़े 9 बजे शायद, तो 9:30 बजे उसी टाइम मैं आटा लगाई थी। और यहाँ पे मैं एक एक करके भटूरे बना ले रही हूँ और बच्चे उधर खा रहे हैं। और उसके बाद से बनाने के बाद यहाँ पे मैंने भी अपना प्लेट लगा लिया है, तो चलिए मैं भी खा लेती हूँ। और बस यही थी मेरी आज की वीडियो, तो बहुत दिनों बाद मैंने वीडियो शेयर किया है, और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिएगा। मेरी तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से मैं किसी के वीडियो पे भी नहीं जा पा रही थी, और ये शाम का है तो ये लस्सी है। तो चलिए फिर मैं आप लोगों से कल मिलती हूँ सुबह।